एसएमएस नहीं पढ़ा तुमने? पढ़ा था, इसीलिए फोन नहीं किया क्योंकि आप मीटिंग में बिजी थे। आप जा ही रहे थे तो कम से कम शी को हेलो बोलते जाते। कितनी देर वेट किया हमने आपका। चाहे जितनी देर वेट किया, तुम्हारे दोस्त का टाइम मेरे लिए मेरे काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना। वो तो नहीं है, काम पहले है और श्री भी समझती है इस बात को, इसीलिए उसे भी अजीब नहीं लगा। काफी समझदार है तुम्हारी दोस्त। इनफैक्ट श्री ने मुझे कहा कि वर्क तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, उनसे अगर मैं आज नहीं तो कल मिल लूंगी। ये तुम्हारी दोस्त के पास कुछ ज्यादा ही फालतू का टाइम है क्या? ये उसका मिलना मुझसे इतना जरूरी क्यों है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अब वो मेरी फ्रेंड हो गई है ना, तो मेरी फैमिली से मिलना चाहती है और कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने उसको कह दिया कि वो कल आ जाए। भला फ्री है ना? कुछ कह नहीं सकता। वैसे कल कितने बजे आ रही है तुम्हारी ये दोस्त? 4 बजे। 4 बजे तो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है रीता। लेकिन? लेकिन क्या रीता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपने किसी भी दोस्त को मुझसे मिलवाने से पहले एक बार पूछ लिया करो। ठीक है, आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। आप बार बार फोन करके मेरे पति को क्यों परेशान करती हैं? दोबारा आपने कॉल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप? क्या हुआ रीता, किस पे चिल्ला रही थी तुम? वही रॉन्ग नंबर वाली लड़की। अरे जिसका नंबर आपने जिग्नेश के नाम से सेव किया है। उस दिन आप मुझे कह रहे थे ना कि अगर इस लड़की का फोन दोबारा आए तो मैं उसे अपने तरीके से हैंडल करूं। बस कर दिया, खूब डाला है मैंने उसे। दोबारा आपको फोन करके कभी परेशान नहीं करेगी। अरे इस लड़की के चक्कर में मैं खाना गर्म करना भूल गई। हेलो माया, तुमने कॉल किया था? क्यों? वो उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारी बात नहीं हुई ना, इसीलिए। निरंजन तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी माया, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मुझे भी बहुत गिल्टी फील हो रहा है, इसीलिए मैं तुमसे कहती थी कि मुझसे मिलने मत आओ। मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, चलो निरंजन फिर, गुड बाय। गुड बाय। मैं ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाउ कुड यू? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू? हाउ डेयर यू? अब और नहीं। माई, माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सर।
नफरत है, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से